क्या आपको फोटो, डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर, किताब स्कैन करना नहीं आता है तो मैं आपको एक ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप घर बैठे ये सब काम कर सकते हैं, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए। मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ, जिससे आप इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप SD में फुल क्वालिटी का फ्री में आप जो है स्कैन कर सकते हैं। अगर आप यही काम करवाने के लिए दुकान में जाइएगा तो वहाँ पर जो है आपको 10 रुपया पर स्कैनिंग लेता है। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप फ्री में अपने मोबाइल फ़ोन से ही SD क्वालिटी में आप कैसे अपने फाइल, फोल्डर, बुक, फोटो या आपके पास जो भी है जिसको भी आप स्कैन करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से आप जो है स्कैन कर सकते हैं। स्वराज, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे किस तरीके से फाइल, फोल्डर, फोटो, डॉक्यूमेंट या आपके पास जो भी है जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं फ्री में SD क्वालिटी का, बिना दुकान में जाए, बिना साइबर कैफे में जाए, बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना पैसा खर्च किए, तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से वो कर पाएंगे। अभी के टाइम में हर इंसान के पास जो है एंड्रॉयड सेट होता ही है तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको इस वीडियो में उस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप बहुत ही ईजी तरीके से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और बहुत ही आसानी से आप घर बैठे HD क्वालिटी में फ्री में आप जो है कुछ भी स्कैन कर सकते हैं। अगर आप जो है जॉब के लिए जा रहे हैं या आप कोई वैकेंसी निकला है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो बस आप जो है स्कैन करेंगे, वहां पे अपलोड कर देंगे ऑनलाइन अगर आप फॉर्म भरते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताया हूँ जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से आप कुछ भी स्कैन कर सकते हैं जो भी आपको स्कैन करना है। तो इस वीडियो को आपको कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखना होगा तभी आप सब को समझ पाएंगे किस तरीके से जो है कुछ भी स्कैन कैसे कर सकते हैं। जैसे आप किताब स्कैन करना चाहते हैं, फोटो, फाइल, डॉक्यूमेंट, फोल्डर, कुछ भी, तो आप जो है बहुत ही इजी तरीके से स्कैन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली जरूर देखिएगा तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे कैसे स्कैन किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से कैम स्कैनर का यूज कैसे करेंगे। तो क्या करना है आपको, प्ले स्टोर से आपको कैम स्कैनर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे आप, इसको कैम स्कैनर पर क्लिक करेंगे, इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ परमिशन मांग रहा है, आप अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से जो इसको स्किप करेंगे, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है रजिस्टर नाउ के नीचे लिख रखा है यूज नाउ, तो आप चाहे तो इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो यूज नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब क्या करना है, लेटर वाले पे क्लिक करके इसको जो है आप स्किप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा आ रहा है स्टार्ट स्कैनिंग, तो आप स्टार्ट स्कैनिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो परमिशन मांग रहा है परमिशन को अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे जहाँ भी आप कुछ भी रख रखे हैं तो उसको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सामान वगैरह है तो इसको जो आप स्कैन कर सकते हैं, या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर OCR जो है, यहाँ PPT आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ग्रीटिंग कार्ड को जो है अगर आपके पास है तो इस तरीके से जो है परमिशन आप मांग रहा है, इस तरीके से आई गेट इट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जो है अपना ग्रीटिंग कार्ड जो है स्कैन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से जो भी आप फॉर्मेट में चाहे उसको आप जो है यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको और ढेर सारा ऑप्शन मिले, यहाँ पे देखिए अपना आई कार्ड को भी जो है स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ चुका है, आई कार्ड और पासपोर्ट। तो आप जिसको भी स्कैन करना चाहते हैं आप आई कार्ड भी स्कैन कर सकते हैं, पासपोर्ट स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बुक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ क्वेश्चन बुक जो है आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे बुक स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे बार कोड अगर आपके पास है तो इस तरीके से अपना बार कोड भी स्कैन
कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है किस तरीके से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या आप पहले से कोई फोटो, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई फोल्डर आप अपना रख रखते हैं गैलरी में, तो उसको जो है आप कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको जो है थ्री डॉट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना फोल्डर बना सकते, यहाँ पे अपना न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है गैलरी में से जो है फोटो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इंपोर्ट पीडीएफ भी आप इसमें कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपना ग्रिड बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी फोटो या कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई सर्टिफिकेट है, उसको आप कैसे स्कैनिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थ्री लाइन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर शेयर विथ मी का, टैग का, और ऊपर जो है आप अपना यहाँ पर साइनिंग या रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ फोटो वगैरह लगा सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ फोन नंबर डाल के भी जो है आप अपना जो है फोन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर देखिए ऑल डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आईडी कार्ड है, नोट है, पीपीटी है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है। तो आप जिसको भी स्कैनिंग करना चाहते हैं आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई फोटो, फाइल, फोल्डर या कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप कैसे स्कैन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी फाइल फोल्डर रख रखे हैं वो आपके सामने में यहाँ पे सारा का सारा आ जाता है। आप जिसको भी स्कैनिंग करना चाहते हैं बहुत ईजी तरीका से आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सअप इमेज है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे कुछ जो है दे रखा है, तो मैं यहाँ पे देखिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ नीचे जो है इंपोर्ट, इंपोर्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैनुअली जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि इसमें गलत है तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि सब कुछ ये सही है। अगर आपको कुछ गड़बड़ लगे तो यहाँ से जो है आप यहाँ से इस तरीके से चारों साइड से जो है आप यहाँ से कट फट या ऊपर नीचे करके इसको जो है कट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैनुअली है, तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से मैं इसको रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं राइट का ये निशान है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे जो है स्कैनिंग कर दी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना शानदार तरीके से ये स्कैनिंग किया है। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर ये ओरिजिनल, इसके बाद यहाँ पे लाइटिंग, यहाँ मैजिक, यहाँ पे ग्रे मोड, इस तरीके से और भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट टू है, इसको यहाँ टू कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद है वो आप यहाँ पे से सेलेक्ट, जैसे मेरे हिसाब से यहाँ मैजिक कलर है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मैजिक कलर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना शानदार तरीके से यहाँ पे ये स्कैनिंग किया है। इसके बाद क्या करना है, आप जो है यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हैं, तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए, जो भी नाम डालना है। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे राजा, अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका नाम आ चुका है, यहाँ राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दूसरा ला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड, प्रिंट और फैक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ डन वाले पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि आपको जो है इसको गैलरी में कैसे सेव करना है। तो यहाँ पर देखिए जो फोटो है आपको क्या करना है, इसे प्रेस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे टिक लग जाएगा। यहाँ पे टिक लगने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से सेव टू गैलरी में जाके आप जो है गैलरी में सेव कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं, इसको जो आप डिलीट भी कर सकते हैं या मोर वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कॉपी कर सकते हैं, अपलोड, प्रिंट और फैक्स भी कर सकते हैं। तो हमको इसको सेव करना है, तो यहाँ सेव टू गैलरी वाले पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए सेव टू गैलरी, ये जो है आपका गैलरी में सेव हो चुका है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो है आपको कहाँ सेव हुआ। तो इसके लिए मैं गैलरी में ओपन करता हूँ गैलरी को और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ सेव होके आया है। तो यहाँ से गैलरी वाले को मैं ओपन करूँगा, ओपन करते ही मैं स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाऊँगा। नीचे जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कहाँ सेव होके आया है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे जो न्यू करके लिख रखा है, यहाँ पिक्चर्स है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए कि मैं जो सेव किया हो तो वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना शानदार तरीके से इसको जो है स्कैनिंग किया है। सो इस तरीके से गाइज आप किसी को भी फाइल फोल्डर, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई आपके पास जो है सर्टिफिकेट हो, उसको बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है कैम स्कैनर की हेल्प से आप उसको जो है सेव कर सकते हो। अगर यही काम करवाने के लिए आप दुकान वाले के आवाज साइबर कैफे में जाइएगा तो वहाँ पे आपको 10 रुपया ले लेगा, बस यही काम करके आपको दे देगा, स्कैन करके आपको जो भेज देगा या प्रिंट आउट निकाल के दे देगा और आपसे 10 रुपया ले लेगा। बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ जो है इम्पोर्ट फ्रॉम गैलरी है, इस पर क्लिक करना है। अपना जो फाइल फोटो जो भी है आपको इसमें से आपको चूज कर लेना है कि आपका कहाँ है। चूज करने के बाद बहुत ही ईजी तरीके से उसको आप स्कैन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको
टिक करता हूँ, यहाँ इंपोर्ट वाले में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ चुके, अगर लग रहा है कुछ जो है ज़्यादा आ चुका है तो इस तरीके से आप छोटा बड़ा करके कट कर लेंगे। इसके बाद राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आ चुका है, यहाँ पे देखिए स्कैन भी कर चुका है। अब यहाँ पे अपना हिसाब से जो है जो भी कलर चूज करना चाहते हैं इसमें से अपना कलर चूज कर लीजिए। यहाँ पे ओरिजिनल लाइटिंग मैजिक कलर ग्रे मोड ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट टू, तो यहाँ पर मैं चूज करूँगा मैजिक कलर पर टिक ही है, इसको आप चूज कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कलर होता है। राइट वाले पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए आपका जो है डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल्ली जो है क्रिएट हो चुका है। डन वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ये डन हो चुका है। इसी तरीके से आपको इसको प्रेस करना है, इसको जो है गैलरी में सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मूव डिलीट, या आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, अपलोड किसी को भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको सेव कर लेते हैं, तो सेव टू गैलरी वाले पे क्लिक करेंगे, इसको मैं सेव कर लूँगा। ये जो है यहाँ पर देखिए सेव टू गैलरी, ये जो गैलरी में जाके सेव हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर आपका गया हुआ है गैलरी में। तो इस तरीके से गैलरी को ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे आइए, यहाँ पर देखिए न्यू, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कि मैं इसको स्कैन किया, तो यहाँ पर देखिए कितना परफेक्ट तरीक़ा से जो है इसको स्कैन किया है। सो गाइस, बहुत ही इजी तरीके से आप जो है कैम स्कैनर को यूज करके आप अपने फाइल फोटो डॉक्यूमेंट कुछ भी जो है आप स्कैन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करके हटाए उड़ाए तो इसे प्रेस कीजिएगा, इस तरीके से सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ डिलीट वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ यस वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको फोल्डर बनाना है तो यहाँ क्रिएट न्यू फोल्डर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं फोल्डर बना लेता हूँ राजा के नाम से, इस तरीके से ओके कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका फोल्डर आ चुका है, इस फोल्डर में आप सेव करके रख सकते हैं। सो गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से आप चाहेंगे तो यहाँ से जो कैमरा वाले पे क्लिक करके आप जो है स्कैन कर सकते हैं, जो भी स्कैन करना है। यहाँ पे किताब वगैरह, कॉपी, आईडी कार्ड, बुक या पीपीटी, या कुछ जो भी करना है, ग्रीटिंग कार्ड या डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, आप जो है बहुत ही इजी तरीके से उसको जो है स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन करने के लिए इस पर ऐसे रखिएगा, और रखने के बाद यहाँ जो है कैमरा वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से स्कैन होगा, यहाँ पर देखिए स्कैन हो चुका है इस तरीके से, यहाँ पर देखिए आ चुका है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर सही से नहीं आता है तो इस तरीके से इसको जो है आप इस तरीके से बड़ा छोटा कर लेंगे, इस तरीके आपको जितना भी कट फट करना है इस तरीके से आप जो है सजा लेंगे, इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई फाइल फोल्डर इस तरीके से आप सजा लेंगे। इसके बाद यहाँ राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि इसको जो है स्कैन कर लिया है। यहाँ पे आपको ढेर सारा जो ऑप्शन मिल जाता है, आप जिसमें भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आप जो है लाइटिंग, ओरिजिनल, मैजिक कलर, आप जिसमें भी रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कितना शानदार और कितना ब्यूटीफुल ये स्कैनिंग किया है। तो राइट वाले पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अपलोड, प्रिंट और फैक्स कर सकते हैं। तो डन वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको क्या करना है, आपको जो है यहाँ से शेयर कर सकते हैं, गैलरी में सेव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ से कॉपी, अपलोड, प्रिंट, फैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव टू गैलरी पर क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर देखिए सेव टू गैलरी, यहाँ जो है गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पीडीएफ का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप इसको जो पीडीएफ में भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए ड्राइव पीडीएफ व्यूअर से, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका ड्राइव आ चुका है। सो इस तरीके से थ्री पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे किसी को सेंड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड आपका ये हो चुका है, ये जो है पीडीएफ में हो चुका है। सो इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसके बाद रिप्रिंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कहाँ से पीडीएफ में आया है वो भी दिखाऊँगा, और मैं सेव किया हूँ वो भी दिखाऊँगा। तो इसके लिए मैं बैक चलता हूँ, गैलरी में चलता हूँ पहले, जो मैं सेव किया हूँ, तो मैं गैलरी को ओपन करूँगा। ओपन करते ही आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इसको सेव किया हूँ, तो यहाँ पे गैलरी में आ चुका है। अब मैं दिखाऊंगा कि पीडीएफ में कहाँ आया है, तो इसके लिए मैं बैक आऊँगा। बैक आने के बाद जो है क्या करना है, आपको जो है टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद माई फाइल्स में जाना है, माई फाइल्स में जाने के बाद जो है यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज में जाना है, यहाँ पर डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए न्यू डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पर जो है ये पीडीएफ में क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, आप जो है
कोई भी फाइल फोल्डर या कुछ भी जो है आप पीडीएफ में भी आप बना सकते हैं। अपना फोटो है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फाइल है, किसी भी बुक को जो है आप स्कैनिंग कर रहे हैं या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है उसको स्कैनिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही ईजी तरीके से जो है यहाँ से जो है आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करके उड़ा देता हूँ इस तरीके से। सो गाइस, आप जो है आप कैम स्कैनर की हेल्प से बहुत ही ईजी तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये भी जो है यहाँ से डिलीट करके हटा देता हूँ। सो गाइस, बहुत ही ईजी तरीके से आप कैम स्कैनर को यूज करके आप कोई फाइल फोटो डॉक्यूमेंट को जो है आप डायरेक्ट जो है स्कैन कर सकते हैं, इसको पीडीएफ बना सकते हैं, इसको आप जो है गैलरी में सेव कर सकते हैं, या आप जो है पहले से जो है सेव करके रखे हुए हैं तो सिंपली जाना है इस तरीके से, इम्पोर्ट कर लेना अपने गैलरी में से, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेना है इसको जो है कटिंग छटिंग करके आप जिसमें भी रखना चाहते हैं उसको रख के आप जो है उसको फिर से आप गैलरी में सेव कर सकते हैं और ये जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप सीख लिए होंगे किस तरीके से फाइल फोल्डर फोटो डॉक्यूमेंट बुक या कुछ भी जो आप स्कैन करना चाहते हैं उसको आप बहुत ही इजी तरीका से स्कैन कर लेंगे। सो इस वीडियो में आप ये सीख ही लिए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।